नमस्कार, मैं अभी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महापर्व के आखिरी दिन विभिन्न घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कल से चलेंगी भागलपुर आनंद विहार के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन। पुलिस SI के लिए 800 पदों पर निकली बहाली। अब बगैर रजिस्ट्रेशन कराए नहीं खोल सकेंगे प्राइवेट स्कूल। जल्दी आएगी अनुच्छेद 370 पर आधारित सिंघम 3। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महापर्व के आखिरी दिन विभिन्न घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। 4 दिवसीय छठ महापर्व आज सुबह ही उदयीमान सूर्य को अर्घ समर्पित करने के साथ समाप्त हो गया। इस दौरान राज्य के विभिन्न नदियों तालाबों के घाटों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना और लॉकडाउन की मुसीबतों से लंबे समय के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी। बताते चलिए कि छठ को लेकर राजधानी पटना से लेकर हर जिले में प्रशासन मुस्तैद दिखी। इस दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए राजधानी पटना में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल का इंतजाम किया गया था। आपको बता दें कि 8000 से ज्यादा पुलिस बल को सुरक्षा में तैनात किया गया था। अब पर्व खत्म होने के साथ ही एक्स्ट्रा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी वापस लौट जाएंगे। CM समेत राज्य की बड़ी हस्तियों ने अपने आवास पर मनाया छठ। जहां एक तरफ राज्य में आम लोगों ने भक्ति भावना के साथ विभिन्न घाटों में उगते हुए सूर्य को उपासना की, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में आम से लेकर खास तक त्योहार मनाते नजर आए। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर ही पूजा उपासना की, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पर्यटन मंत्री अपने आवास पर ही सूर्य भगवान को अर्घ देते नजर आए और बिहार और देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान रेणु देवी ने पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। हालांकि इस साल लालू यादव के घर छठ की रौनक नहीं देखी गई, जिसकी वजह उनकी नासाज तबीयत थी। कल से चलेगी भागलपुर आनंद विहार के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन। पर्व खत्म होने के साथ ही लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल ने लंबी दूरी वाले यात्रियों का ख्याल रखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेन वापसी के लिए परिचालित करने का फैसला लिया है, जिसके तहत कल 12 नवंबर से भागलपुर से 3 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत भागलपुर आनंद विहार पूजा स्पेशल ट्रेन नंबर 09755 ट्रेन 12 नवंबर को परिचालित होगी। वहीं 04577 नंबर ट्रेन 13 नवंबर और 01689 नंबर ट्रेन 14 नवंबर को शाम 5:30 बजे भागलपुर से रवाना होगी, जो कि अगले दिन शाम 5:45 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। अपने वापसी में ट्रेन सुल्तानगंज, जमालपुर, क्यूल, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। अब बगैर रजिस्ट्रेशन कराए नहीं खोल सकेंगे प्राइवेट स्कूल। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के दायरे में अब तक नहीं आए निजी स्कूलों को भी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा 30 नवंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत जो स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे उन्हें खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। सभी निजी स्कूलों को विभाग के ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों का भौतिक सत्यापन करने के बाद स्कूलों को एक कोड जारी कर देगा, जिसके बाद फिर इन सभी स्कूलों में RTE के प्रावधान लागू किए जाएंगे। बताते चले कि RTE के तहत अब सभी निजी स्कूलों में भी 3 साल से 18 साल तक के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित होगी। पुलिस SI के लिए 800 पदों पर निकली बहाली। SI की परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 800 पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए कल यानी कि 10 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jksb.nic.in के जरिए 10 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की जन्म तारीख 1/1/1993 से 1/1/2003 के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन 3 चरणों में किया जाएगा। लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के जरिए किया जाएगा। हरियाणा में काम कर रहे बिहारियों को अगले छठ के लिए मिली सौगात। बिहार के वैसे लोग जो हरियाणा में रोजगार को लेकर बसे हैं, उन्हें अगले साल से छठ पूजा में काफी राहत मिलने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि अगले साल से हरियाणा सरकार छठ पूजा को सरकारी छुट्टी घोषित करेगी। इस बात का ऐलान करते हुए CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगले साल से प्रदेश में छठ पूजा के लिए सरकार छुट्टियों की घोषणा करेगी। साथ ही साथ छठ पूजा के लिए प्रदेश में घाट भी बनाए जाएंगे। बताते चले कि ये बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में आयोजित छठ पूजा समारोह के दौरान कही है, जहां उन्होंने खुद भी सूर्य को अर्घ समर्पित किया। आपको यह भी बता दें कि बिहार और पूर्वांचल से बड़ी तादाद में लोग हरियाणा जाते हैं और वहीं रोजगार भी करते हैं। ऐसे में उन लोगों को अगले साल से पर्व के दौरान राहत मिलेगी। BRO इंजीनियर राहुल कुमार की अस्थियां देर शाम पहुंची लखीसराय। इसी साल जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश में लाहुल के तुंज
जिंग नाले में आई बाढ़ में लापता हुए लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के निवासी राहुल कुमार की अस्थि बीते दिन 10 नवंबर को शाम लखीसराय पहुंची। बताते चले कि दिवंगत राहुल की सीमा सड़क संगठन में वो जेई थे। इनकी अस्थियों को रात भर उनके चाचा के आवास पर रखा गया था। वहीं सुबह शहर में अस्थि यात्रा निकाली गई, जिसके बाद उनकी अंतिम शांति की प्रार्थना की गई। अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जित किया गया। बताते चले कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लखीसराय के राहुल कुमार मात्र 23 वर्ष के थे और इकलौते पुत्र थे। राहुल ने 12 अप्रैल 2021 को सीमा सड़क संगठन लाहौल में कनीय अभियंता के पद पर योगदान किया था, जबकि 3 महीने बाद ही प्राकृतिक आपदा में उनकी जान चली गई थी। इनका शव सप्ताह भर बाद रेस्क्यू कर निकाला गया था। त्योहारों के समापन के बाद अब लगन को लेकर सजने लगे हैं बाजार। पर त्योहार से भरा रहने वाला महीना कार्तिक के खत्म होने में अब करीब हफ्ता भर समय है और इसके बाद शादी ब्याह का महीना और अगहन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बिहार के व्यापारी अभी से ही लगन की तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि इस बार लगन में बिहार में 50,000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद लगाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी रखने वाले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि शादियों के पहले चरण में देश में लगभग 25 लाख शादियों का अनुमान है। इस सीजन में देश में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होगा, जबकि अकेले बिहार में इस सीजन में लगभग 1.5 लाख से अधिक शादियां होंगी। इसमें पटना में ही लगभग 50,000 करोड़ रुपए के व्यापार की पूरी उम्मीद है। वहीं बिहार में कोरोना के प्रकोप कम होने के कारण पिछले साल जो शादियां नहीं हो सकी थी, वो सब इस सीजन में होने की संभावना जताई जा रही। मुजफ्फरपुर सिटी एसपी के बेटे की सड़क हादसे में गई जान। अहले सुबह ही त्योहार का दिन मुजफ्फरपुर जिले के सिटी एसपी के लिए मातम वाला दिन बन गया। सिटी एसपी राजेश कुमार के बेटे की जान आज सुबह सुबह हाजीपुर में सड़क हादसे के दौरान चली गई। जानकारी के मुताबिक उनका बेटा राजवीर शेखर कार से पटना से मुजफ्फरपुर जा रहा था। इस दौरान वो छठ पूजा में शामिल होने के लिए अपने दोस्त के साथ मुजफ्फरपुर स्थित आवास जा रहा था कि रास्ते में कार पोखर में पलट गई। इसी में उसकी मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं हादसे में मृतक का दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। गंगा में खुदकुशी करने जा रहे को एनडीआरएफ ने बचाया। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और ये बातें आज सच दिखी जब अपनी खुदकुशी का पूरा प्लान बनाए हुए एक शख्स की जान एन मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने बचा ली। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ही राजधानी पटना के गांधी सेतु से इरफान अंसारी नाम का एक शख्स खुदकुशी जैसे अपराध करने के लिए पुल से कूद गया और नदी के धार में तेजी से बहने लगा। मगर छठ को लेकर पहले ही से ही एनडीआरएफ की टीम गायघाट पर तैनात थी। इस दौरान युवक ने जैसे ही छलांग लगाई कि तभी पेट्रोलिंग पार्टी की नजर डूबते युवक पर पड़ गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत ही युवक को बचा लिया और फिर एम्बुलेंस के द्वारा नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसके पेट से पानी को निकालने और जांच के बाद युवक सही सलामत पाया गया है। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार में 2 दिनों बाद हवा के रुख में परिवर्तन के आसार है। 48 घंटों के बाद राज्य में पूर्वी हवा का प्रवाह आरंभ हो जाएगा, जिससे हवा की गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं कोहरे का असर भी अब दिखने लगा है, जो कि अब आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखेगा। साथ ही मौसम के तापमान में भी उतार चढ़ाव बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 2 दिनों बाद हवा के रुख में परिवर्तन के आसार है। इस दौरान राजधानी पटना में आज मैक्सिमम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का ही अनुमान है। साथ ही पटना में प्रदूषण का स्तर 325 पर है। अब भाजपा ने भी शराबबंदी पर उठाए सवाल। हाल के दिनों में जहरीले शराब से कई लोगों की जान जाने के बाद बिहार की नीतीश सरकार की विपक्षियों की तरफ से खूब खरी खोटी सुननी पड़ी है। सबसे ज्यादा सवाल राज्य में शराबबंदी के बावजूद ऐसी घटना होने को लेकर उठाया गया है। इस दौर में अब नीतीश सरकार के सहयोगी दल भी मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गए हैं। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी शराबबंदी की समीक्षा की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक माफिया शराब के धंधे में लगे हुए हैं। उनका राज चलता है, अब इन माफिया तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, शराबबंदी पूरी तरह सफल नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन जिस तरह शराब का अवैध कारोबार चल रहा था, उसे देखते हुए इसकी समीक्षा करने का समय आ गया है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया खतरनाक। T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब तक शानदार रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने भी पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को सेमीफाइनल के मुकाबले के लिए खतरनाक बताया है। कप्तान एरॉन फिंच ने बुधवार को कहा कि T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से होगा, तो उन्हें पावर प्ले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की
इन स्विंग गेंदों से निपटने की जरूरत होगी। पाकिस्तान ने ग्रुप लीग के सभी पांचों मैच में जीत हासिल की, लेकिन शाहीन अफरीदी का भारत के खिलाफ सुपर 12 चरण के शुरुआती मैच का घातक स्पेल अब भी T20 टूर्नामेंट का चर्चा का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के स्पिन को देखें तो उन्हें इससे काफी सफलता मिली है, जिसमें इमाद ने पावर प्ले में और शादाब ने मध्य ओवर में शानदार गेंदबाजी की। जल्द ही आएगी अनुच्छेद 370 पर आधारित सिंघम 3। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी की सफलता के बाद से ही सिंघम 3 को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के सक्सेस के बाद रोहित शेट्टी एक बार फिर दर्शकों को लुभाने वाले हैं। जानकारी के अनुसार अजय देवगन और रोहित शेट्टी कश्मीर के रियल लोकेशन पर फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग करेंगे। फिल्म में अजय देवगन शांति के लिए इंटरनेशनल एलिमेंट से लड़ते हुए नजर आएंगे। फिल्म में ड्राफ्ट पर काम चल रहा है और मेकर्स अगले साल सितंबर में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिल्म बड़े पर्दे पर स्वतंत्रता दिवस 2023 में रिलीज हो सकती है। सूत्रों की माने तो रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3 का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 370 पर आधारित होगा। बिहार में बालू खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। बिहार में NGT की तरफ से बालू खनन में रोक लगाने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। बिहार सरकार ने इस मामले में NGT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, जिसको लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य खनन विभाग के जरिए बालू निकालने की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी है। इससे अब राज्य में बालू की कमी नहीं होने वाली है। लाइव हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि बालू खनन पर पूरी तरह से बैन लगाने से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान होता है। साथ ही अदालत ने कहा है कि बालू खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीके को लागू करना जरूरी है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि बिहार के सभी जिलों में खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कवायद नए सिरे से की जाएगी। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार सरकार की कौन सी योजना आपको सबसे कारगर लगती है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।